हाउ टू गेन वेट फास्ट एंड ईजी। तो तुम्हें ना तो कोई महंगी डाइट को फॉलो करना है और ना महंगे प्रोटीन पाउडर को खरीदना है और ना ही जंक फूड खाकर अपने वेट को बढ़ाना है। बस थोड़ा सा दिमाग और पैसा खर्च करके आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अपने वेट को बढ़ा सकते हो और एक हैवी और मस्कुलर बॉडी बना सकते हो, वो भी नेचुरली। क्या इम्पॉसिबल लग रहा है? सो इस वीडियो को एंड तक देखो और वो 3-step मेथड्स को यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना आसानी से अपने वेट को गेन करके अपने आप को कुछ ही महीनों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस टाइप से इस टाइप तक। सो ये वो 3 steps हैं जिसको अगर आप समझ जाते हो, और ये 3rd वाली जो स्टेप है अगर आप इसको समझ जाते हो कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और जिसके कारण हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा है, बॉडी मस्कुलर नहीं हो पा रही, मसल्स नहीं बन पा रही है, तो अगर तुम इस मिस्टेक्स को जान लोगे तो तुम आसानी से अपने वेट को बढ़ा सकते हो, मसल्स को ग्रो कर सकते हो, वो भी आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले तो हमको एक तगड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा पूरे दिन का, जिसमें दिन के पहले पार्ट में मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले उठने के बाद 1-2 glasses पानी पीना है, वो भी ब्रश करने से पहले, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अप रहेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और आप जो दिन भर में खाओगे वो शरीर को सही तरीके से लगेगा और बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे आपकी मसल्स बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। अब मॉर्निंग टाइम के 2nd पार्ट में हमको मिल्क और बनाना और खजूर का शेक बनाकर पीना होगा, जो कि बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट गेन करने के लिए, जिसको आप प्री वर्कआउट मील के रूप में भी ले सकते हो। मॉर्निंग के 3rd पार्ट में एक हेल्दी और ज़्यादा मात्रा में ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो बहुत से बंदे ऐसे हैं जो इसको स्किप कर देते हैं, बट आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी और मॉर्निंग टाइम में चाय या कॉफ़ी को थोड़ा अवॉइड करना है। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में हाई प्रोटीन और कार्ब्स से भरपूर मात्रा में आपको ब्रेकफास्ट करना है, जैसे स्प्राउट, ऑमलेट्स, ओट्स, नट्स, फ्रूट्स, ये सब आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट देंगे वेट गेन करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं मॉर्निंग की लास्ट, मॉर्निंग के पार्ट 4th की, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोई भी फ्रूट्स या फिर रोस्टेड चने या पीनट का यूज़ करना है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे आपकी बॉडी का वेट बढ़ाने के लिए। एंड लंच और डिनर की बात करें तो आप लंच और डिनर में सेम डाइट ले सकते हो, जिसमें वाइट राइस, ब्राउन राइस, चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, पनीर, राजमा, दाल, सोयाबीन, चंक्स और एग को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और आयरन देगा, जिससे तुम्हारी बॉडी का वेट बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। और हाँ, रात का खाना थोड़ा हल्का रखना और खाना खाने के बाद 15-20 minutes की वॉक, और वॉक के बाद 1 glass हल्का गुनगुना मिल्क, जिससे तुमको गहरी नींद आएगी जो वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये तो हो गया दिन की डाइट की बात। अब बात करते हैं 2nd step की, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सो स्टेप नंबर 2, वर्कआउट। देखो यार, तुम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो डाइट पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो तुम यही कर रहे हो। तो वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको डेली 30-40 minutes हैवी वर्कआउट करना है, क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी मसल्स में टीयर्स आ जाते हैं और वो रिपेयर होकर वो मसल्स ग्रो होने लगती है, उससे ही तुम्हारा वेट गेन होता है। तो वर्कआउट पर भी ध्यान दो जितना अपनी डाइट पर देते हो, तो वर्कआउट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसा वर्कआउट करना है, किस तरीके का वर्कआउट आपकी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। सो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो अब 1 और 2 को यूज करके अपनी बॉडी के रिक्वायर्ड को तो तुम पूरा कर लोगे और अपना वेट बढ़ा लोगे, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो तुम करते हो जिसके कारण तुम्हारी बॉडी का वेट नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसी मिस्टेक्स को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं 3 की, कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। सो 3, मिस्टेक जो तुम डेली बेसिस पे करते हो और जिसके कारण तुम्हारा वजन नहीं बढ़ पाता है। सो 1, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। ऐसे बहुत से लोगों की यह आदत होती है, तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे पेट का जो पाचन तंत्र है, जो पाचक रस है, वो स्लो हो जाता है और खाना पचता नहीं है और सड़ने लगता है, और ऐसे खाने को बॉडी कभी एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो पूरा वेस्ट में निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि तुम खाना खाने के 30 minutes पहले और 40 minutes बाद ही पानी पियो, जिससे तुम्हारा खाना सही तरीके से पचेगा और बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जिससे तुम्हारी मसल्स ग्रोथ होगी। 2, मास्टरबेशन। ये तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो और ऐसी बैड हैबिट्स को अपने आप से दूर रखो, और अपने गोल को सच में अचीव करना चाहते हो तो ऐसी बैड हैबिट्स को आज से ही बंद कर दो। इसकी जगह पर तुम सुबह सिर्फ 5-10 minutes मेडिटेशन करो, जिससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और ऐसी चीज़ों में मन भी नहीं लगेगा। 3, प्रॉपर वाटर इनटेक।
तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नंबर फोर स्ट्रेस। देखो टेंशन, डर, डिप्रेशन किसी भी टाइप का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इससे भी थोड़ा दूरी बना के रखो। सो इसी के साथ प्यार और ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही कम है। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड गुड बाय।